दोस्तों, आज स्कूल टाइम में मैं आपको लेकर चलूंगी जंगल सफारी की सैर पर, जहां हम जानेंगे वाइल्ड एनिमल्स के जीवन से जुड़े रोमांच के बारे में। तो चलिए, बिना आपको इंतजार कराए शुरू करते हैं आज की जंगल सफारी। बात जंगल के राजा यानी शेर की। शेर बिडाल प्रजाति का खूंखार स्वभाव वाला प्राणी है। ये समूह में रहना पसंद करता है, लेकिन समूह में शेरनी को विशेष तवज्जो दी जाती है, क्योंकि लगभग 90% शिकार मादा ही करती है। और भी कई रोचक बातें हैं शेर के बारे में, देखते हैं ये रिपोर्ट। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। शेर स्वभाव से हिंसक होते हैं। ये विडाल प्रजाति का सदस्य है। शेरों के झुंड को प्राइड्स कहा जाता है। क्षेत्रों के आधार पर इन्हें दो उपप्रजातियों में बांटा गया है, एशियाई शेर और अफ्रीकी शेर। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार ये विडाल प्रजाति के सदस्य हैं, और इनके अन्य पारिवारिक सदस्यों में चीता, तेंदुआ और बाघ जैसे खूंखार जानवर आते हैं। शेर झुंडों में रहना पसंद करते हैं, जिन्हें प्राइड्स कहा जाता है। शेर किसी समय पूरे अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए जाते थे, लेकिन अब ये दुनिया के केवल दो ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और इन क्षेत्रों के आधार पर ही इन्हें दो उप प्रजातियों में बांटा गया है। पहले एशियाई शेर, जो भारत के गुजरात राज्य के गिर जंगल में रहते हैं, और दूसरे अफ्रीकी शेर, जो मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में रहते हैं। एशियाई और अफ्रीकी शेरों के समूहों में काफी अंतर होता है। भारतीय शेरों के बाल अफ्रीकी शेरों की तुलना में कम घने होते हैं। अफ्रीकी शेर अपने सिर से लेकर पूंछ तक 4.5 से 6.5 फुट तक लंबे होते हैं। इनकी पूंछ की लंबाई 67 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। अफ्रीकी शेरों का वजन 120 से 191 किलोग्राम तक होता है। अफ्रीकी शेरों के समूह में 3 नर और कई मादाओं समेत उनके बच्चे भी होते हैं। समूह के सदस्यों की गिनती कई बार 40 तक पहुँच जाती है। ये खुले घास के मैदानों और जंगलों में रहते हैं। एशियाई शेर, जिन्हें भारतीय शेर भी कहा जाता है, ये केवल भारत के गुजरात राज्य में गिर जंगल में पाए जाते हैं। ये अफ्रीकी शेरों के मुकाबले ज्यादा बड़े होते हैं। इनका वजन औसतन 120 से 226 किलोग्राम के बीच होता है। भारतीय शेरों की पूंछ की लंबाई 60 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। नर और मादा शेर अलग अलग समूहों में रहते हैं। मादा शेर सारी उम्र उसी समूह में रहती है जिसमें वो पैदा हुई है, जबकि नर शेर जब बूढ़े होते हैं तो अपना अलग समूह बना लेते हैं। नर शेर मादाओं की तुलना में ज्यादा बड़े होते हैं। शेर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। शिकार के समय 90% शिकार मादा शेर ही करती है। क्षेत्र को लेकर नर करते हैं खूनी संघर्ष। जख्मी होने पर जीभ से चाटकर साफ करते हैं घावों को। शेर तैरकर मीलों तक जा सकता है। नर शेर आमतौर पर मादाओं की तुलना में ज्यादा बड़े होते हैं। शेर की दहाड़ को 8 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। एक शेर का औसतन जीवन काल 10 से 14 साल तक का होता है। शेर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और एक बार में 36 फीट लंबी छलांग लगा सकते हैं। के तलवे बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए वो तपती जमीन पर नहीं चलता। इनके नाखून 4 से 6 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं।
इनके सिर के आसपास बालों का एक मुकुट सा होता है। शेरों का ये मुकुट उन्हें खासा प्रभावशाली बनाता है। इस मुकुट से झगड़े के दौरान नर शेरों को गर्दन में चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। अफ्रीकी शेर बड़े जानवरों को खाते हैं, जिनमें हिरण, ज़ेब्रा और कई तरह के जानवर शामिल हैं। भारतीय शेर बकरियां, नीलगाय, चित्ताल, सांभर और भैंसों समेत छोटे जानवरों को भी खाते हैं। शिकार के समय 90% शिकार मादा शेर ही करती है। शिकार के समय ये सामंजस्य के साथ अद्भुत शक्ति और फुर्ती दिखाते हुए शिकार करते हैं। ये शिकार के समय जानवरों को बहुत देर तक दौड़ाते हैं और शिकार के थक जाने पर उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। सामान्यतया एक शेर एक बार में 20 किलो मांस खा सकता है। शाम को शिकार के बाद पेट भरने पर ये आराम करना पसंद करते हैं। मादा शेरों की गर्भावस्था अवधि लगभग 4 महीने की होती है। शेरनी अपने बच्चों को अकेले में जन्म देती है। जन्म के समय शावकों का वजन मात्र 1.5 किलो होता है और वो पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर होते हैं, इसलिए वो उन्हें अपना दूध पिलाती है। बच्चों की त्वचा कोमल होती है, इसलिए शेरनी गर्दन की कोमल त्वचा को मुंह में दबाकर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जन्म के 6 हफ्तों के बाद नन्हे शेरों का ध्यान पूरे समूह द्वारा रखा जाता है। कीटों से बचने के लिए मिट्टी में लोट लगाता है। शेर की आपसी लड़ाई में यदि लड़ते समय उसे घाव हो जाए और वो जीभ से साफ ना कर सके तो उसमें सफेद कीड़े पड़ जाते हैं और उसकी मौत तक हो जाती है। सर्दियों में इसकी त्वचा अधिक सुंदर होती है। शेर जब चलते हैं तो इनके पंजों के निशान जमीन पर बन जाते हैं, जिससे इनके जंगल में होने का पता चलता है और ये निशान अन्य नर शेरों के लिए चेतावनी का कार्य भी करते हैं। शेर स्वभाव से हिंसक होते हैं और अपने इलाके में किसी दूसरे शेर के आने पर आक्रामक हो जाते हैं और अपने कुनबे और क्षेत्र को बचाने के लिए दूसरे नर के साथ लड़ाई करते हैं। विजेता उस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेता है। शेर पानी के अंदर रहना बेहद पसंद करता है, इसलिए गर्मी में उसका निवास किसी जोहड़ के निकट होता है। वो अच्छा तैराक भी होता है। बरसात के दिनों में क्षेत्र में पानी भर जाने पर ये तैरकर मीलों तक जा सकता है। इनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इसके 2 कारण हैं। घरों में सजावट के तौर पर शेर की खाल का इस्तेमाल करना। अफ्रीकी शेरों की घटती जनसंख्या के कारण इन्हें रेड लिस्ट में भी डाल दिया गया है। एशियाई शेर जो केवल भारत के गिर जंगल में पाए जाते हैं, इनका संरक्षण अच्छी तरह से किया गया है और इसी कारण इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। राजेंद्र सिंह, स्पेशल डेस्क, A1 TV। शेर के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद अब तो आप भी समझ ही गए होंगे कि क्यों इसे जंगल का राजा कहा जाता है।